हेलो दोस्तों, वेलकम वंस अगेन। लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन। तो जो वेव इक्वेशन हमारे हमारे पास डेवलप होकर के आई थी, वेव इक्वेशन, तो उसमें हम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के टर्म में लिखते हैं। हमारी वेव इक्वेशन इस तरह से आएगी, टाइम का ये टर्म है, और अगर मैग्नेटिक कंपोनेंट के टर्म में आप लिखोगे तो ये ऐसे लिख जाएगी, डी टू बी ओवर डी टी स्क्वायर इज जीरो। ये इस तरह से हमारी इक्वेशन लिख रही थी। अब एक सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसमें डेल के रूप में एक्स वाई जेड भी प्रेजेंट है और टाइम तो प्रेजेंट ही है। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो कैसा लिखा जाएगा? तो सोल्यूशन हमारा ऐसा लिखा जाता है कि ई फंक्शन ऑफ आर एंड टी, ऑब्वियस ही बात है, ई में देखो आर मतलब पोजिशन कोऑर्डिनेट भी है, टी मतलब टाइम कोऑर्डिनेट भी है। मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास ये टर्म है, ई की पावर आई ए डॉट आर माइनस ओमेगा टी, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ऐसा ही एक्सप्रेशन बी के लिए भी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये बी और ई बहुत ही सिमेट्रिक तरीके से इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आप जैसा ई के लिए लिख सकते हैं वैसा बी के लिए लिख सकते हैं। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि इस वेव का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नेचर कैसा है। नेचर की बात कहने का मतलब है कि ये लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है। तो इसको चेक करने का हमारे पास तरीका एक मैथमेटिक्स के थ्रू ही है। तो आप इसमें कुछ कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो नेचर के बारे में, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उस डायरेक्शन में तो आप वेव वेक्टर के डिफाइन करोगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। अब आपके पास इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है, तो हमारे जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है और हमारे जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है, इनकी डायरेक्शन क्या है? अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी इसी डायरेक्शन में है, तब तो हम कहेंगे कि जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है उसी डायरेक्शन में ऑसिलेशंस या वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो ये तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी है। लेकिन अगर ई और बी के कंपोनेंट इस वेव के चलने की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो जाएं, अगर ऐसा हमें पता चले, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ट्रांसवर्स नेचर एग्जिस्ट कर रहा है। इसे प्रूफ कैसे करेंगे, इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम मैथमेटिक्स का सहारा लेंगे। जैसे आप, अगर आप यहाँ ई नॉट वेक्टर लिख रहे हो, तो इसका मतलब है आप इसको कंपोनेंट के टर्म में लिख सकते हो। तो E नॉट एक्स, E नॉट वाई, E नॉट जेड, ये सब इसके कंपोनेंट हैं। ओके, आप ऐसे लिख सकते हो, E नॉट एक्स आई, E नॉट वाई जे कैप, E नॉट जे के, आई कैप जे कैप के, ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। वेक्टर के बारे में बात करोगे तो वेक्टर के आप लिख सकते हो, X कंपोनेंट है इसका, Y कंपोनेंट है इसका, जेड कंपोनेंट है इसका, ठीक है, कंपोनेंट के फॉर्म में आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। R के टर्म में अगर लिखना, R को अगर लिखना चाहो तो R कुछ और नहीं है, R है X I कैप, Y J कैप, Z K कैप, इसके कंपोनेंट्स हैं। तो जरा देखो यहाँ पर आपके K डॉट R आ रहा है, तो एक बार यहाँ पर लिख सकते हैं कि K डॉट R क्या लिख सकते हो, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो आप X K Y J K Z K को डॉट प्रोडक्ट आप ले लो X I कैप Y J कैप Z K कैप से। ऐसा आप करोगे तो आपके पास हो जाएगा के एक्स इंटू एक्स, के वाई इंटू वाई, के जेड इंटू जेड, क्योंकि हमें मालूम है कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका डॉट प्रोडक्ट हमेशा वन होता है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ इस तरह का ही आएगा कंपोनेंट। आपके पास के एक्स का वाई के साथ कुछ नहीं होगा, के जेड के एक्स के साथ कुछ नहीं होगा। अब हमारे पास के डॉट आर आ चुका है, जिसको कि हम यहाँ पर रख सकते हैं। हमारे पास E नॉट की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हम यहाँ पर देख रहे हैं। इन सबको उठा करके अब हमें रखना होगा एक इक्वेशंस में। आपने देखा है कि जो मैक्सवेल इक्वेशन लिखी जाती है, तो वहां पर एक टर्म लिखा जाता है कर्ल। हम लिखते हैं एक टर्म कर्ल E। अगर हमें कर्ल E लिखना है, इसका मतलब है आपको डेल क्रॉस E, जो कि फंक्शन ऑफ पोजिशन और टाइम, ये लिखना होगा। और इसको हम इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। आप अल्टीमेटली क्या लिखोगे, डेल क्रॉस E नॉट एक्सपोनेंशियल आई के आर माइनस ओमेगा टी, आप ये लिखना चाहते हो इसको। अब क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी यहां पर हमें लगानी पड़ेगी, तो हम क्या लिख सकते हैं अल्टीमेटली, हमें यहां पर क्या लिखना होगा, डेल क्रॉस एक्सपेंड कर दो, तो E नॉट एक्स आई कैप, E नॉट वाई जे कैप, E नॉट जेड के कैप, एक्सपोनेंशियल आई के एक्स इंटू एक्स, के वाई इंटू वाई, के जेड इंटू जेड माइनस ओमेगा टी। ओके, तो जब आप इस एक्सपोनेंशियल को इन सबके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, देन यू विल गेट अ कंप्लीट इक्वेशन।
तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, डेल क्रॉस आप लिख सकते हो ई नॉट एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल आई, ये पूरा टर्म ब्रैकेट के अंदर वाला, इसको हम दोबारा लिख रहे हैं, इंटू आई कैप, ऐसे ई नॉट वाई इन द पावर आई, ये ब्रैकेट की पूरी क्वांटिटी, इंटू जे, ई नॉट जे इंटू एक्स वाई ई नॉट एक्स आई होप ठीक है, इंटू ई की पावर आई दिस। तो आपने के कंपोनेंट इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ई को आपने हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई किया और ये आ गया। अब हम इसको कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास एक तरीका है कि हम मैट्रिक्स मेथड से आई जे के डेल में आपके पास क्या क्या होता है, डेल बाय डेल एक्स आई कैप, डेल बाय डेल 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 बाय डेल वाई सॉरी वाई जे कैप, डेल बाय डेल जेड के कैप। और इधर हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से हैं, इधर हमारे पास कंपोनेंट है ई नॉट एक्स इज द पावर आई ब्रैकेट की पूरी क्वांटिटी, ई नॉट वाई एक्सपोनेंशियल आई पूरी क्वांटिटी, ई नॉट जे आई ये पूरी क्वांटिटी। तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे देन आपके पास एक्सपोनेंशियल का पूरा टर्म आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, हम करते हैं आई कैप इसके लिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल वाई, और ये अप्लाई होगा इसके ऊपर, तो आप लिखोगे ई नॉट जे ई की पावर आई ब्रैकेट की कोई क्वांटिटी माइनस माइनस आपके पास होगा डेल बाई डेल जेड, ये वाला ये जाएगा डेल बाई डेल जेड ई नॉट वाई ई की पावर आई ब्रैकेट में पूरी क्वांटिटी माइनस जे यानी इसके लिए, तो आपको डेल बाई डेल एक्स इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल ओवर डेल एक्स ई नॉट जेड ई टू द पावर आई पूरी क्वांटिटी, और डेल बाई डेल जेड आपको इस पे अप्लाई करना पड़ेगा, तो डेल बाई डेल जेड ई नॉट एक्स ई टू द पावर आई। ऐसे ही अगर हम के कैप के लिए लिखना चाहें तो के कैप के लिए आपके पास हो जाएगा डेल बाई डेल एक्स, आप इस पे अप्लाई करोगे ई नॉट वाई ई की पावर आई माइनस इस पर अप्लाई करोगे डेल वाई डेल वाई ई नॉट एक्स ई की पावर आई ये पूरी क्वांटिटी। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने का तरीका यहां पर क्या है, डेल वाई डेल वाई डेल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड जो ऑपरेटर है इनको ही हमें सॉल्व करना होगा, मेनली यही तो है हमारे ऑपरेटर। तो आप देखो आई यहां पर ई नॉट जेड तो फिक्स है वैसे रहेगा, डेल बाई डेल वाई जब एक्सपोनेंशियल पर अप्लाई होगा तो क्या देगा, तो याद रखो कि एक्सपोनेंशियल के अंदर क्या क्या है, यहां देखिए ऊपर जाके देखें, एक्सपोनेंशियल के अंदर हमारे ये टर्म है, ये टर्म है के एक्स एक्स के वाई वाई के जेड जेड। तो अगर आप इस क्वांटिटी पर, ये जो क्वांटिटी है इसके ऊपर डेल बाई डेल एक्स करोगे, तो डेल बाई डेल एक्स करने मतलब आपके पास सिर्फ के एक्स आ जाएगा, क्योंकि के वाई जीरो होगा के जेड जीरो होगा, तो डेल बाई डेल एक्स करने पर केवल यहां पर मल्टीप्लाई में के एक्स आएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने डेल बाई डेल वाई किया तो ई नॉट जो वैसे रहेगा, एक्सपोनेंशियल भी वैसे रहेगा, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा के वाई, इस वाई डेल बाई डेल वाई को एक्सपोनेंशियल पे अप्लाई करने पर। फॉर्मूला यहाँ पर हम यही इस्तेमाल कर रहे हैं कि ई की पावर अगर के एक्स के वाई इंटू वाई है और आप इसे डेल बाई डेल वाई कर रहे हो, तो यह आ जाएगा ई की पावर के वाई वाई डेल बाई डेल वाई ऑफ के वाई वाई, और यहां से एक्सपोनेंशियल का टर्म वैसे रहेगा, और यहां से आपके पास के वाई हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई वन हो जाएगा, तो आपके पास एक्सपोनेंशियल में के वाई का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो वही हुआ यहाँ पर, ई नॉट जे वाई है तो के वाई का मल्टीप्लीकेशन, यहां पे करोगे तो ई नॉट वाई रहेगा, जेड है तो ई की पावर आई पूरा टर्म वैसे रहेगा, इवन आई भी रहेगा, आई भी यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि तो यहाँ आई है तो यहाँ भी आई रहेगा, तो आपके पास आई भी यहाँ पर बाहर आ जाएगा, तो एक्सपोनेंशियल आई पूरा टर्म रहेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आई के जेड, क्योंकि तो आपने जेड के साथ में ये ऑपरेटर अप्लाई किया है। तो आप ये देख रहे हो कि जो डेल बाई डेल वाई है उसी का आई के वाई आ गया, डेल बाई डेल जेड है तो आई के जेड आ गया। अब इसी लॉजिक से हम आगे बढ़ते चले जाएं, इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ते चले जाएं, तो माइनस जे कैप है तो यहाँ पर डेल बाई डेल एक्स है, तो यानी कि आपके पास ई नॉट जेड ई की पावर आई वैसे रहेगा, आई के एक्स आ जाएगा। यहां पर आप रहोगे तो आ जाएगा ई नॉट एक्स वैसे रहेगा, ई की पावर आई वैसे रहेगी, और आई के जेड आ गया। के कैप के लिए क्या हो जाएगा, देखो के कैप के लिए ई नॉट वाई वैसे रहेगा, डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है,
ई पावर आई यहाँ हो जाएगा आई के एक्स और इधर हो जाएगा ई नॉट एक्स और एक्सपोनेंशियल में से रहेगा आई के वाई, ये हो गया हमारे पास। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने इस तरह से चीजें निकाल दी। आप यहां से कुछ चीजें कॉमन ले सकते हो। ये आई कैप है, देखो भाई एक आई कैप है और एक आई है, तो जो ये आई है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आई जो है वो अंडर रूट -1 है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, और आई कैप डायरेक्शन है। तो आप क्या कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल की जो टर्म है ये हर तरफ मौजूद है, तो इनको हम यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और आई हर तरफ है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से आई बाहर निकाल लो, आई बिल्कुल बाहर निकाल दो, और एक्सपोनेंशियल का जो टर्म है ये ब्रैकेट वाला ये पूरा बाहर निकाल दो। तो आपके पास बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर, ई नॉट जेड के वाई माइनस ई नॉट वाई के जेड, और माइनस जे कैप ये आई कैप के साथ था, माइनस जे कैप ई नॉट जेड माइनस ई नॉट जेड के एक्स माइनस ई नॉट एक्स के जेड, प्लस के कैप में क्या बचेगा, के कैप में बचेगा ई नॉट वाई के एक्स माइनस ई नॉट एक्स के वाई, ये अल्टीमेटली हमारे पास बचा। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये टर्म कब आएंगे, ये टर्म आपके तब आ जाएंगे अगर आप कहीं पर वेक्टर ई नॉट और वेक्टर के का डॉट प्रोडक्ट लो, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट। तो अगर आप के और ई दो वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो ये पूरा जो इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखा है ये आ जाएगा करके आप इसको देख सकते हैं। के की वैल्यू आपके पास मालूम है, ई नॉट की वैल्यू आपके पास मालूम है, तो आप देखोगे जब इसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो यही क्वांटिटी आएगी। तो इसका मतलब है कि जो हम लिख के चले थे कर्ल ई, इसको आप कैसे लिख सकते हो, आई आई ये जो है के क्रॉस ई नॉट एक्सपोनेंशियल आई और ये ब्रैकेट की सारी क्वांटिटी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को क्लब कर लो। अगर इन दोनों को क्लब कर लोगे ये सिंपली आपके पास बचेगा कर्ल ई इज इक्वल टू आई के क्रॉस, और इन दोनों क्लब करने पर ये लिख दिया जाएगा वेक्टर ई। अल्टीमेटली यहां से आप क्या पता कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि डेल क्रॉस ई का मतलब है आई के क्रॉस ई। ये तो हुआ, यहां पर डेल ऑपरेटर जो है वो इक्विवेलेंट है आई के, यानी अगर कहीं आप डेल ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हो इसका सिंपल सा मतलब है कि आप वहां पर आई के से मल्टीप्लाई कर दो। यहां हमने एक ऑपरेटर का एक एक तरह से आप कह सकते हो एक रिजल्ट निकाल लिया कि इस ऑपरेटर का इक्विवेलेंस क्या है आई के। अब आते हैं अपनी इक्वेशन के बाद। इक्वेशन हमारी क्या है, फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ क्या कहता है, फराडे लॉ कहता है कि डेल क्रॉस ई इज बेसिकली माइनस डेल बी ओवर डेल टी। अगर ये है तो इसका मतलब है कि आप लिख रहे हो आई के क्रॉस ई इज माइनस डेल बाई डेल टी। बी की वैल्यू हमने क्या लिखी है, बी नॉट ई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, ये तो लिखा है। तो आप इसको लिख सकते हो आई के क्रॉस ई, और यहां पर माइनस ऑपरेट करो इस टी को, टी इस पे ऑपरेट होगा तो यहां से बनेगा बी ई टू द पावर आई वैसे रह जाएगा, डेल बाई डेल टी ऑपरेट किस पे होगा आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी पर, और यहां से जब डी बाई डी टी इस पे तो जीरो हो जाएगा क्योंकि तो स्पेस कोऑर्डिनेट है, यहां पर होगा तो माइनस ओमेगा मिलेगा, तो आई भी रहेगा माइनस ओमेगा भी रहेगा, तो ये आपके पास होगा माइनस माइनस आई ओमेगा बी नॉट इट द पावर दिस कंप्लीट। तो यहां से जाएगा आई ओमेगा डी, इसको एक साथ रखोगे तो बी है, तो ये हो जाएगा आई के क्रॉस ई, आई आई कैंसिल, तो के क्रॉस ई इज ओमेगा टाइम बी। दो वेक्टर्स हैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट एक नया वेक्टर है, जो नया वेक्टर होगा वो के और ई दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है कि अगर वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और ये है वेक्टर सी, तो सी की डायरेक्शन ए और बी, ए इधर है बी इधर है, तो सी की डायरेक्शन इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। तो यही चीज यहां पर भी है। अगर हम कहें कि वेव चल रही है इस डायरेक्शन में के, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में ई, तो जो बी होगा वो ए के भी परपेंडिकुलर होगा,
और ई किसी परपेंडिकुलर होगा, तभी तो आपके क्रॉस ई इज गिवन बाय बी। तो यहां से तो एक हमें आइडिया लग रहा है कि के, ई और बी ये सब आपस में परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि के और ई एक ही डायरेक्शन में हो, के और ई एक ही डायरेक्शन में हो, और जो बी है वो उन दोनों के परपेंडिकुलर होने की शर्त यहां से फॉलो कर रहा है? अगर हम ऐसा सोचना चाहते हैं, अगर ऐसा हमें सोच रहे हैं, हालांकि संभव नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर ऐसा सोच रहे हो तो जरा गॉस लॉ के बारे में सोचो। तो गॉस लॉ क्या कहता है? डेल डॉट ई इज जीरो, फ्री स्पेस में जीरो होता है, यानी कि आई के डॉट ई इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब है के डॉट ई इज इक्वल टू जीरो, यानी वेक्टर के और वेक्टर ई का डॉट प्रोडक्ट जीरो है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है क्या है कि इनके बीच में जो कॉस एंगल है, इसे के ई जो कॉस थीटा है, ये थीटा थीटा जीरो कब होगा? जब थीटा 90 डिग्री का होगा। तो के डॉट ई जीरो होने का मतलब है कि के और ई पैरेलल नहीं हो सकते, पैरेलल होते तो थीटा की वैल्यू जीरो होती, तो कॉस जीरो तो वन हो जाता। लेकिन के डॉट ई जीरो है, इसका मतलब के और ई आपस में परपेंडिकुलर है। तो के और ई आपस में परपेंडिकुलर है वो हम यहां से देख रहे हैं, और जो बी है वो के और ई दोनों के परपेंडिकुलर होगा वो हम इस फॉर्मूले से देख रहे हैं। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों मिलकर के इस बात को स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि हमारे के, ई और बी ये सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, और इसी चीज को हम नाम देते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, सो इन नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने के लिए कुछ डायग्राम प्रेजेंटेशन देखेंगे, एंड देन वी विल स्टार्ट द स्किन इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन द मीडियम, कुछ मीडियम के अंदर फ्लो कर रहा है, और जहां पर स्किन इफेक्ट कैसे आता है इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पार्ट। हैव अ नाइस डे।